हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र कुमार वर्मा आपके लिए आज लेके आया हूँ सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं ऐसी एक और चीज ऐड करेंगे कि आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगेगी और वो आपके बेनिफिट भी होगी। फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। फ्रेंड्स, इसमें लेंगे हम एक लकड़ी का बॉक्स और एक प्लेट लेंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट तो है स्विच के लिए और 1 पॉइंट है हमारे 5 पिन सॉकेट के लिए, पर ये 3 स्विच नहीं लगाएंगे हम। फ्रेंड्स, यहाँ पे लगाएंगे एक हमारे यहाँ पे है सादा होल्डर, बल्ब होल्डर, एक यहाँ लेंगे हम स्विच और एक लेंगे 2 पिन सॉकेट और एक यहाँ लेंगे 5 पिन सॉकेट। अब आप बोलोगे 5 पिन सॉकेट का क्या काम है यहाँ पे और 2 पिन सॉकेट का क्या काम है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ की किस तरह से इनका कनेक्शन करेंगे, देख लेते हैं हम इसको। देख लेते हैं, हमने कुछ इस प्रकार स्विच सॉकेट को और बल्ब होल्डर को लगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरफ लगा सकते हैं इसको। अब देख लेते हैं इनके कनेक्शन किस प्रकार हम। फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसके कनेक्शन हमने किस प्रकार किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने 5 पिन सॉकेट लिया है उसके कनेक्शन हमने यहाँ पे कर दिए डायरेक्ट, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास जो प्लेट थी उसके अंदर हमारा स्विच के लिए ऑप्शन नहीं था अभी हमारे पास यहाँ पे, तो मैंने इसको कर दिया डायरेक्ट। और यहाँ पे एक स्विच जो लगाया वो लगाया हमने होल्डर के कनेक्शन के लिए, ताकि हम इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमने 2 पॉइंट सॉकेट लगाया ये लगाया यहाँ पे हमने 2 वायर बाहर निकाल के, हम यहाँ जो टेस्टिंग लैंप लगाएंगे उसको किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, तो वह जो हम वो अभी देख लेंगे किसी भी उपकरण को चेक करके। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसके कनेक्शन आप पीछे से देख लीजिए और मैं आपको सर्किट डायग्राम में इसका कनेक्शन बता दूंगा अभी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसकी टेस्टिंग करके कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा अच्छे से बोर्ड। तो यहाँ पे मैंने 5 पिन सॉकेट, जो 5 पिन सॉकेट है उसके कनेक्शन मैंने कर दिए थे यहाँ पे डायरेक्ट, तो इसमें हमारा ये कनेक्शन हो गया डायरेक्ट, यानी कि जैसे ही हम इसमें कोई भी उपकरण लगाएंगे वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा।
दूसरा हमारे यहाँ पे हो गया, जिसके पर्पज से हमने इसको बनाया है, वो है हमारा टेस्टिंग लैम्प, कि ये किसी भी चीज को चेक करे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया था 2 पिन सॉकेट और ये एक लगा दिया स्विच, ताकि हम इसको ऑफ ऑन कर सके। मैं इसमें वायर लगा देता हूँ और अभी यहाँ पे हम चेक कर लेंगे हमारा एक फैन है, वो फैन चेक कर लेंगे कि इसकी वाइंडिंग जो है वो जली हुई है या सही है। तो अभी देखते हैं, ये हमारा हो गया सीरीज टेस्ट लैंप ऑन। और जैसे ही अब हम फैन के कॉमन कनेक्शन से और रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग चेक करेंगे तो हमारा लैंप जलना चाहिए, अगर ये फैन सही हुआ तो। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो सीरीज टेस्ट लैंप है वो इस पर्पज के लिए बनाया जाता है कि हम किस तरीके से हम हमारे उपकरण की या किसी भी लाइन के अंदर कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, तो सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देख लिया कि बोर्ड में कनेक्शन किस प्रकार थे, अगर उसमें समझ में नहीं आया है तो मैं यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम बना के एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था एक बोर्ड था माइका शीट का, इसके अंदर यहाँ पे हमने ले लिया था एक बल्ब होल्डर, इसके दो टर्मिनल, एक हमने यहाँ ले लिया था 2 पॉइंट सॉकेट और यहाँ पे हो गया था हमारा स्विच। और यहाँ हो गया हमारे पास 5 पिन सॉकेट, यहाँ हो गया हमारे पास फेस तार और न्यूट्रल तार। तो न्यूट्रल हम यहाँ पे जो हमारा लैंप होल्डर है उसके अंदर हम यहाँ पे दे दिए डायरेक्ट, और यहां से 5 पिन सॉकेट का भी हमने दे दिया न्यूट्रल डायरेक्ट। बचा हमारे पास फेस तार 5 पिन सॉकेट के अंदर, जैसा कि आपने देखा था बोर्ड के अंदर कि डायरेक्ट सप्लाई जा रही थी हमारी, मतलब कोई भी उपकरण जैसे लगाएंगे वो हमारा कंटिन्यू चालू हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऑपरेट करेंगे, वो स्विच से ऑपरेट करेंगे इसको, टेस्टिंग लैंप को। तो हमने स्विच के एक तार में फेज तार दे दिया, दूसरे को कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे 2 पिन सॉकेट से, और 2 पिन सॉकेट से लेके हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया बल्ब होल्डर के अंदर। यहाँ बल्ब होल्डर के अंदर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गया हमारे पास स्विच 5 पिन सॉकेट और ये हो गया बल्ब होल्डर, ये हो गया हमारे पास, ये न्यूट्रल फेज हो गए। इस तरीके से हमने उसमें कनेक्शन किए थे, एक बार फिर देख लीजिए, ये हमारा न्यूट्रल यहाँ पे हमारा जो बल्ब होल्डर है उसमें डायरेक्ट आ गया, और यहाँ पे 5 पिन सॉकेट में डायरेक्ट आ गया, 5 पिन सॉकेट में डायरेक्ट सप्लाई आ गई हमारी फेज तार, और यहाँ पे इसको ऑपरेट करेंगे स्विच से। तो स्विच का फेज तार हमने यहाँ पे दे दिया, अभी यहाँ से जैसे ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 2 पिन सॉकेट के अंदर, और 2 पिन सॉकेट के अंदर जैसे हम दो तार किसी भी कंटिन्यू टेस्ट करने के लिए, या जहाँ यहाँ मान लो हमारे पास यहाँ पे हो गया एक लैंप हो गया, ये हमारे पास एक हो गया लैंप, या कोई भी फैन मान लो, ये फैन हो गया हमारा, इस फैन को जैसे चेक करेंगे तो यहाँ पे हम दो तार लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। जैसे इस फैन के किसी भी दो टर्मिनल पे इन दोनों को टच करेंगे, टच करते हैं हमारे पास यहाँ पे बल्ब होल्डर पे जो लैंप लगा होगा वो जलना शुरू कर देगा।
तब जब ये पंखा इसकी कंटिन्यूटी यानी कि ये किसी भी प्रकार से खराब नहीं होगा, या कि इसकी जो वाइंडिंग है वो जली नहीं होगी, शॉर्ट नहीं होगी, तो हमारे यहाँ पे लैंप है वो जलना शुरू कर देगा। अगर खराब होगी तो लैंप यहाँ पे कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज हमारी खराब है। इस चीज को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाया है। अब इससे एसी सप्लाई की कोई भी चीज टेस्ट कर सकता है, कंटिन्यूटी यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं एसी सप्लाई की, ओनली ओनली एसी सप्लाई। डीसी सप्लाई पे आप चेक मत कर लेना फ्रेंड्स गलती से भी, क्योंकि अगर आप डीसी सप्लाई पे जैसे ही चेक करने के लिए दोनों टर्मिनल को टच करोगे तो वहां शॉर्ट सर्किट या वहां पे कोई उपकरण खराब भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।